एक सवाल भी साढ़े को आया है। ये सवाल अभिनव का है जो कि साइंस कॉलेज के स्टूडेंट है। मैं आप जी दे सत्संग यूट्यूब पर सुनता हाँ, जिस दे विच तुसी फकीरां दी सोबत बारे दसिया है, संगत बारे दसिया है कि फकीरां दी सोबत विच बैठन नाल, फकीरां दी संगत विच बैठन नाल इंसान दियां कई परेशानियां, कई तकलीफां, कई दुख दूर हो जाते हैं। साइंटिफिक तौर पर इनू साबित करना हो ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਸਾਇੰਸ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਾਬਿਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਫਕੀਰਾਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਬੈਠਣ ਨਾਲ ਵਾਕਈ ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਬਦਲਾਵ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ? ਇਹਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿਓ ਔਰ ਇਹ ਸਾਬਿਤ ਕਰਕੇ ਦਿਖਾਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਇੰਸ ਹਮੇਸ਼ਾ ਉਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਮੰਨਦੀ ਹੈ ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਬਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਔਰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਭਿਨਵ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸੋਬਤ ਵਿੱਚ ਬੈਠਣ ਨਾਲ ਕੀ ਅਸਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, कि सोबत में बैठ के वाकई इंसान के जीवन च बदलाव आता है, तो असं कहे एक बहुत बड़े साइंटिस्ट होए है जिन्हों का नाम से मार्टिन सेलिग्मन। जरा गौर करना, बहुत बड़े साइंटिस्ट होए एक अमेरिका के अंदर जिन्हों का नाम है मार्टिन सेलिग्मन। उन्होंने 1965 दे विच एक रिसर्च की सी जिन्हों नाम दिता गया डोग एक्सपेरीमेंट। की नाम दिता गया? डोग एक्सपेरीमेंट, यानी उन्होंने कुत्तिया उत्ते एक्सपेरीमेंट किया। और जरा हूँ समझना, उन्होंने डोग एक्सपेरीमेंट क्यों किया, यानी कुत्तिया के उपर एक्सपेरीमेंट क्यों किया, रिसर्च क्यों की? क्योंकि वो साइंटिस्ट तो सी ही पर मनोचिकित्सक भी सी। मनोचिकित्सक समझते हो ना, कि जेडे बंदे मानसिक तौर पर परेशान होंगे है, ज्यादा चिंता करते हैं, डिप्रैशन चले जाते हैं, ज्यादा तनाव च रेंदे है, हर वेले उदास रहिंदे है, फिर इदां दे बंदियां दा इलाज वो करदे सी। हुण जदों लोग ज्यादा चिंता करदे है, ज्यादा तनाव च रहिंदे है, ज्यादा अपने आप नूं टुट्टिया होया हारिया होया महसूस करदे है, तो ठीक किदां हो सकदे है? इहदे बारे उस साइंटिस्ट ने, मार्टिन ने 1965 दे विच रिसर्च कीती सी जिहनूं डॉग रिसर्च दा नाम दिता गया। जरा गौर करना सारे, हुण वो की रिसर्च होई ये जरा तुहाडे नाल गल करनी चाहते हैं असी, कि तुसी अच्छी तरह समझ लो, क्योंकि वैसे भी अभिनव ने कहा कि साइंस के तौर पर की प्रूफ है कि सोबत में बैठने नाल इंसान के जीवन बदलाव आता है, तो असी ये दसना चाहते। जवाब है उसका कि ये साइंस ने ही साबित किया है कि किस तरह सोबत में बैठने के नाल ही इंसान दी चिंतावां परेशानियां का हल हो सकता है। ये साइंस ने रिसर्च करके साबित किया होया है। और जो रिसर्चर से एक बार फिर नाम दस देवे की नाम से उस साइंटिस्ट का, मार्टिन सेलिग्मन। उन्होंने एक डॉग एक्सपेरीमेंट किया। और एक्सपेरीमेंट किस तरह किया? उन्होंने दो कुत्ते ले, दो कुत्ते ले और दोनों कुत्तियां एक गत्ते का बॉक्स लैके उस बंद किया। दो कुत्तियां अलग अलग गत्ते का बॉक्स लैके, डब्बा लैके गत्ते का उस बंद किया, और एक डब्बा जिहड़ा सी उसके उपर उन्होंने एक दरवाजा बनाया सी। और इस तरह से दरवाजा कि जे अंदरों धक्का मारे तो उपर खुल जाना है, पर जिहड़ा दूजा डब्बा सी वह बिल्कुल बंद है, उस कोई दरवाजा नहीं रखिया। हुण डॉक्टर मार्टिन ने की किया, दोनों कुत्तियां नूं रखिया गया, फिर उत्थे लाई गई एक बैल, बैल यानी घंटी। हुण उन्होंने की एक्सपेरीमेंट किया, कुछ दिन एक्सपेरीमेंट चलिया उन्हां दा, कि उन्होंने इधर घंटी बजानी, जदों घंटी बजनी उस तों बाद उन्होंने उस डब्बे के थले कुछ इदा इंतजाम किया कि कुत्तियां हल्का जहा शौक पवे करंट, जिदा कई बार होंगे ना कोई चीज़ अर्थ कर जाती तो छोटी छोटी छोटा जहा करंट लगता, इन्ना खतरनाक भी नहीं कि बंदे की जान चली जाए, पर इन्ना कि बंदे झुन झुनी महसूस हो करंट लग रहा है। हुण उन्होंने जिहड़े डब्बियां च कुत्ते बंद किया, डब्बिया थले कुछ ऐसा इंतजाम किया कि पहला घंटी बजानी और फिर इधरों बटन दबा देना शौक लगना, उन्होंने जो शौक लगना यानी झटका लगना हौली हौली कंपन होनी बिजली की, तो कुत्तियां ने टपना, उन्होंने हिलना, कोशिश करनी बाहर निकल दी, कितों मैं बाहर निकल सकां। हुण क्या जाता है कि जो इसी तरह उन्होंने पहला घंटी बजानी फिर करना, तो पहले दिन जो ये शुरू होया तो जिहड़ा कुत्ता उस डब्बे च बंद सी जिहदे उपर दरवाजा सी, जदों उन्होंने घंटी बजा के शौक दिता तो पहली बार तो कुत्ता घूमता रहा आले दुआले देखता रहा यह की हो रहा है। फिर दूजी बार जदों शौक दिता गया उन्हें पता हुण घंटी बजी है, उन्हें फटाफट पंजे मारने शुरू किए, उपर दरवाजा सी खुल गया और कुत्ता छाल मार के बाहर निकल गया। पर हुण जिहड़ा दूजा कुत्ता सी
उस डब्बे च बंद जिहदे विच कोई दरवाजा नहीं रखा गया सी, उन्होंने इशारा मारिया पर उन्होंने कोई रास्ता नहीं मिलिया, तो चुप करके बह गया, चुप करके बह गया। क्योंकि हुण बंदा कोशिश करदा ना कि मैं कोशिश कर ली पर कोई दरवाजा ही है नहीं बाहर निकलन दा, तो हुण मैं की करां। वह बैठ गया। हुण उन्होंने फिर दोबारा कुत्ते नूं जिहनूं जिहड़ा बाहर निकलिया फड़ के बंद किया, फिर जदों बैल वजाई घंटी मारी, फिर जदों शौक लगा तो जिहड़ा बंद डब्बे वाला कुत्ता सी ओह घुम्मिया, कोई रास्ता नहीं मिलिया, फिर वह निराश होकर बह गया। तो दूजे ने फिर देखिया, शौक लगा तो नाल ही उन्हें उन्होंने हुण पता लग गया सी दरवाजा उपर है, हुण उन्हें आले दुआले नहीं लभ्या, सीधा ही हुण वह दरवाजे तो बाहर छाल मार दित्ती और फिर उन्होंने फड़ के बंद किया। फिर दोबारा जदों उन्हें कुत्ते नूं विच रखिया गया, फिर बैल वजाई, पर इस बार की होया, इस बार यह होया कि जिहड़ा बंद डब्बे वाला कुत्ता सी वह बैठा ही रहा बैल वजन तो बाद भी, वह इस बार हिलिया ही नहीं, क्योंकि बार बार उन्हें देख लिया शौक लगता है मैं बाहर निकलने की कोशिश करता हाँ पर कोई रास्ता है नहीं, इसलिए जब रास्ता ही है नहीं तो कोशिश की करनी, उन्हें कोशिश करनी बंद करती, वह बैठा रहा। पर इधर दूजा कुत्ता उन्हें की किया, जितने ही उन्होंने बैल वजाई, बैल बजन के नाल ही कुत्ते ने जंप मारिया बाहर निकल गया, शौक भी नहीं खादा क्योंकि उन्हें पता लग चुका सी इधर बैल बजनी है, इधर उस तो बाद शौक लगना है, इस तो पहला कि शौक लगे पहली छाल मार के बाहर। उन्होंने कहा यह कुत्ता समझदार है, इन्हें इंतजार भी नहीं किया, बल बैल बजदे ही जंप करके बाहर। हुण यह एक्सपैरीमेंट जदों होया तो फिर उन्होंने हुण दूजा एक्सपैरीमेंट की किया, जरा ध्यान देना, दूजा एक्सपैरीमेंट की किया कि उन्होंने हुण दो डब्बे तैयार किए, दोनों विच दरवाजा है उपर उसी जगह दरवाजा है। हुण पहला कुत्ता उहदे ते रखिया गया जिहड़ा कि हुण कोशिश ही नहीं कर रहा, और दूजा कुत्ता उहदे ते भी उह डब्बा रखिया गया जिहदे ते दरवाजा सी। हुण जदों उन्होंने बैल वजाई, बैल वजांदिआं ही दूजा कुत्ता फिर बैल वजदिआं ही दरवाजे तों बाहर हो गया, पर पहला कुत्ता चुप करके बैठा रहा। हुण दरवाजा सीगा पर उन्हें निकलन की कोशिश नहीं की, क्योंकि पहला बार बार कोशिश करके दरवाजा सिगा नहीं, इसलिए हिम्मत वो हार चुका है। हुण दरवाजा सी पर फिर भी उन्हें कोशिश नहीं की, बैठा ही रहा, करंट खाता ही रहा। थोड़ा समझना, क्योंकि इदां ही साइंस एक्सपैरीमेंट करती है। हुण रस्ता सी पर फिर भी कुत्ते ने कोशिश क्यों नहीं की, क्योंकि उन्हें लगा पहला मैं इन कोशिशा करके देख लिया मुश्किल चो निकल का हल कोई सिगा ही नहीं, हुण हल है, वह थोड़ी जी कोशिश करता तो बाहर निकल सकता सी, पर मैंटली इदा वह सैट हो गया माइंड कि उन्हें क्या हल है की कोशिश करनी, यह मुश्किल चो निकल का हल कोई है ही नहीं। इसलिए ना दो तीन बार जो इनू बार बार रिपीट किया तो जिहड़े कुत्ते नू पहला दरवाजा मिल चुका सी वह हर बार बैल वजन से बाहर आ जाता सी, पर दूजा कुत्ता दरवाजा होने के बावजूद भी हिलदा ही नहीं सी, बैठा ही रहिंदा सी, क्योंकि कितने वह माइंड सैट हो गया मुश्किल का कोई हल नहीं है। हुण तीसरा और आखिरी एक्सपैरीमेंट उन्होंने की किया, उन्होंने एक बड़ा डब्बा तैयार किया जिस दो ही कुत्ते आ सकन, बड़ा डब्बा तैयार किया, वह डब्बे के उपर दरवाजा रखिया उसी जगह जिथे कि दूजे डब्बे में दरवाजा से। हुण दोनों कुत्तियां नूं रखिया गया उहदे च, इस वार जदों बैल बजाई, इस वार जदों बैल बजाई की होया, बैल वजदे ही जिहड़ा दूजा कुत्ता सी जिहनूं पता सी कि डब्बे में दरवाजा है, बैल वजदी उन्हें छाल मार के दरवाजे तो बाहर हो गया। तो हुण पहला कुत्ता जिहड़ा कि कोशिश ही करनी बंद कर चुका सी, हुण जदों बैल वजन ते वह दूजा कुत्ता बाहर निकलिया, इन्हें देखिया कि वह इस दरवाजे तो बाहर निकल गया, जिते इन्हें शौक लगा इन्हें भी छाल मारी और वह दरवाजे चो बाहर निकल गया, क्योंकि इन्हें पता लग चुका सी कि इस मुश्किल चो निकल का हल आ है, जे वह निकल सकता तो मैं भी निकल सकता हाँ। समझ आई कि नहीं कहानी, यह 1965 उन्होंने डॉग एक्सपैरीमेंट किया है, तुम ये बारे असी तो शॉर्ट में दसिया है, उन्होंने बड़ी डिटेल ये बारे समझाया है। तो फिर मार्टिन ने की लिखिया कि एक जानवर जदों दूजे जानवर नू मुश्किल चो निकलता देख के उस मुश्किल चो निकल सकता है तो फिर इंसान तो इंसान है, जे इंसान भी उन्हां दी संगत विच बैठे जिहड़े हर मुश्किल का हल करना जानते हैं, जे इंसान भी उन्हां दी सोबत विच बैठे जिहड़े सदा पॉजिटिव विचारां नाल भरपूर रहिंदे है तो फिर इंसान भी अपनी हर मुश्किल चो निकल सकता है। जरा गौर करो,
ਇਹ ਸਾਇੰਸ ਨੇ ਸਾਬਿਤ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਸੋਬਤ ਦਾ ਅਸਰ ਜਾਨਵਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਸਰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਜਦ ਜਾਨਵਰ ਜਿਹਦੀ ਕਿ ਸਮਝ ਥੋੜੀ ਹੈ ਜੇ ਉਹ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਉਹ ਗਿਆਨ ਲੈ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਕਿੱਦਾਂ ਇਹ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਣਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਹ ਪਿਆਰਿਆ ਤੂੰ ਤਾਂ ਇਨਸਾਨ ਹੈ, ਤੈਨੂੰ ਤਾਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਸਮਝ ਹੀ ਇੰਨੀ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ ਤੂੰ ਨਾਮੁਮਕਿਨ ਨੂੰ ਵੀ ਮੁਮਕਿਨ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਫਿਰ ਜੇ ਇੱਕ ਜਾਨਵਰ ਜਾਨਵਰ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਸਿੱਖ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਇੱਕ ਇਨਸਾਨ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਸਿੱਖ ਸਕਦਾ। ਹੁਣ ਇਸ ਕਹਾਣੀ ਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਰੂਹਾਨੀਅਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਲੈ ਲਈਏ ਕਿ ਹੁਣ ਸਮਝ ਲਓ, ਪਹਿਲਾ ਡੌਗ ਜਿਹੜਾ ਦਰਵਾਜ਼ੇ 'ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਔਰ ਦੂਜਾ ਜਿਹੜਾ ਨਿਕਲਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਹੁਣ ਕਈ ਇਨਸਾਨ ਐਸੇ ਹੁੰਦੇ ਹੈ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਥਿੰਕਿੰਗ ਵਾਲੇ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਦੇਖਦੇ ਆ ਕਿ ਜੇ ਦੁਨੀਆ ਇੱਕ ਉਹ ਡੱਬਾ ਹੈ ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਕਈ ਤਕਲੀਫਾਂ ਹੈ, ਕਈ ਮੁਸੀਬਤਾਂ ਹੈ, ਕਈ ਦੁੱਖ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਆ ਇਹਨਾਂ ਦੁੱਖਾਂ 'ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਣ ਦੀ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਉਹ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹੈ, ਹਿੰਮਤ ਨਹੀਂ ਹਾਰਦੇ, ਲਗਾਤਾਰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਵੀ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਹਰ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਕਈ ਦੂਜੇ ਇਨਸਾਨ ਦੂਜੀ ਸਮਝ ਵਾਲੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਮੁਸੀਬਤ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਤਕਲੀਫ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਬਲਕਿ ਹਿੰਮਤ ਹਾਰ ਕੇ ਬਹਿ ਜਾਂਦੇ ਹੈ ਕਿ ਇਹਦਾ ਕੋਈ ਹੱਲ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ, ਇਹ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਦਾ ਕੋਈ ਹੱਲ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਮੁਸੀਬਤ ਦਾ ਕੋਈ ਹੱਲ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਹੱਲ ਤਾਂ ਫਿਰ ਮਿਲੇਗਾ ਜੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ, ਤਾਂ ਜੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੀ ਨਾ ਕਰਾਂਗੇ ਫਿਰ ਤਾਂ ਹੱਲ ਕਦੀ ਮਿਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਇਸ ਲਈ ਸਮਝਣਾ, ਹੁਣ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਫਕੀਰਾਂ ਦੀ ਸੋਬਤ ਵਿੱਚ ਬੈਠਣ ਨਾਲ ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਬਦਲਾਵ ਕਿੱਦਾਂ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਬਸ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਫਕੀਰਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਫਕੀਰਾਂ ਸੰਤਾਂ ਗੁਰੂਆਂ ਰਹਿਬਰਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਇੰਨੀ ਸ਼ਾਂਤੀ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਇੰਨਾ ਆਨੰਦ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਇੰਨੀ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵਿਟੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਜਿਸ ਰਸਤੇ ਚੱਲ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਆਨੰਦ ਨੂੰ ਪਾਇਆ, ਉਸ ਰਸਤੇ ਚੱਲ ਕੇ ਅਸੀਂ ਵੀ ਇਹ ਆਨੰਦ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਉਹ ਗਿਆਨ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਜਿੱਦਾਂ ਸਮਝ ਲਿਆ ਕਿ ਜੰਗਲ ਹੈ, ਉਸ ਜੰਗਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦੋ ਇਨਸਾਨ ਹੈ, ਦੋਨੇ ਭਟਕ ਚੁੱਕੇ ਹੈ, ਵਿਛੜ ਚੁੱਕੇ ਹੈ, ਆਖਿਰ ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ ਪਿਆਸ ਲੱਗਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਇੱਕ ਇਨਸਾਨ ਰਸਤਾ ਲੱਭ ਕੇ ਖੂਹ ਤੱਕ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਪਾਣੀ ਪੀ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਦੂਜਾ ਪਿਆਸਾ ਇਨਸਾਨ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਔਰ ਦੱਸਦਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਈ ਮੈਨੂੰ ਬੜੀ ਪਿਆਸ ਲੱਗੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਦੂਜਾ ਕਹਿੰਦਾ ਭਟਕਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਆ ਜਾ, ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਆ ਕੂਆਂ ਕਿੱਥੇ ਹੈ, ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਚੱਲ ਤਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਉੱਥੇ ਲੈ ਜਾਵਾਂ ਜਿੱਥੇ ਤੇਰੀ ਪਿਆਸ ਬੁੱਝ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੰਤ, ਫਕੀਰ, ਗੁਰੂ, ਰਹਿਬਰ, ਇਹ ਉਹ ਤਾਕਤ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬੰਦਗੀ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ, ਭਗਤੀ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ, ਧਿਆਨ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਆਪਣੀ ਸੁਰਤੀ ਨੂੰ ਉਸ ਮੰਜ਼ਿਲ ਤੱਕ ਲੈ ਗਏ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਰੂਪੀ ਆਨੰਦ ਦਾ ਕੂਆਂ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਪਰਮ ਸ਼ਾਂਤੀ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਪਰਮ ਆਨੰਦ ਹੈ। ਤਾਂ ਜੇ ਅਸੀਂ ਉਸ ਪਰਮ ਆਨੰਦ ਨੂੰ ਪਾਉਣਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਬੜੀ ਸਹਿਜਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਚੱਲ ਕੇ ਉਸ ਆਨੰਦ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਜਿਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹ ਜਾਣਿਆ ਹੈ। ਬੋਲੋ, ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਜਿਹਨੂੰ ਇੱਦਾਂ ਸਮਝ ਲਓ, ਇੱਕ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਟੀਚਰ ਕੋਲ ਕਿਉਂ ਭੇਜਦੇ ਹਾਂ ਪੜ੍ਹਨ ਵਾਸਤੇ? ਕਿਉਂਕਿ ਪਤਾ ਹੈ ਟੀਚਰ ਨੂੰ ਉਹਦੀ ਸਮਝ ਹੈ, ਟੀਚਰ ਪੜ੍ਹਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਜੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਉੱਦਾਂ ਹੀ ਕਹਿ ਦਿਓ, ਬੇਟਾ ਲੈ, ਟੀਚਰ ਨੇ ਵੀ ਤਾਂ ਕਿਤਾਬ ਤੋਂ ਪੜ੍ਹਾਉਣਾ, ਤੂੰ ਕਿਤਾਬ ਲੈ ਕੇ ਘਰ ਹੀ ਬੈਠਾ ਰਹੇ, ਘਰ ਹੀ ਪੜ੍ਹ, ਤਾਂ ਬੱਚਾ ਪੜ੍ਹ ਲਏਗਾ। ਜ਼ਰਾ ਸੋਚੋ, ਬੱਚੇ ਵਾਸਤੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਆਸਾਨੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਟੀਚਰ ਨੇ ਖੁਦ ਸਮਝੀ ਹੋਵੇ, ਖੁਦ ਜਾਣੀ ਹੋਵੇ। ਉਹ ਜਦੋਂ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਸਮਝਾਉਂਦਾ ਤਾਂ ਬੱਚਾ ਬੜੀ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਸਮਝ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਜੇ ਬੱਚਾ ਕਹੇ ਮੈਂ ਆਪ ਹੀ ਐਕਸਪੈਰੀਮੈਂਟ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਆਪ ਹੀ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਗਹਿਰਾਈ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖਣਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਸ਼ਾਇਦ ਬੱਚੇ ਦੀ ਪੂਰੀ ਉਮਰ ਹੀ ਬੀਤ ਜਾਵੇ, ਬੱਚਾ ਸਮਝ ਹੀ ਨਾ ਪਾਵੇ। ਇਸ ਲਈ ਸਮਝਣਾ ਜ਼ਰਾ। ਸੋ ਅਗਰ ਤੁਹਾਡੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਕੋਈ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੈ, ਕੋਈ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਹੈ, ਸਮਝ ਲਓ, ਬੰਦਾ ਕਈ ਵਾਰ ਕਹਿ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਦੇ ਡੱਬੇ 'ਚ ਬੰਦ ਹੈ, ਕੋਈ ਰਸਤਾ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਮਾਰਗ ਹੀ ਹੈ ਨਹੀਂ ਇਹ ਮੁਸ਼ਕਿਲ 'ਚੋਂ ਨਿਕਲਣ ਦਾ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਗੱਲ ਫਿਰ ਕਵਾਂਗੇ, ਹਰ ਮੁਸ਼ਕਿਲ 'ਚੋਂ ਨਿਕਲਣ ਦਾ ਮਾਰਗ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਬਸ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਕੋਈ ਦੱਸਣ ਵਾਲਾ ਮਿਲ ਜਾਵੇ, ਕੋਈ ਸਮਝਾਉਣ ਵਾਲਾ ਮਿਲ ਜਾਵੇ, ਕੋਈ ਜਾਣਨ ਵਾਲਾ ਮਿਲ ਜਾਵੇ ਕਿ ਇਹ ਮੁਸ਼ਕਿਲ 'ਚੋਂ ਅਸੀਂ ਕਿੱਦਾਂ ਨਿਕਲ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੋਬਤ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਅਸੀਂ ਬਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਬਦਲਾਵ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ।